आज हम बीए प्रथम वर्ष में भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। संत शब्द की व्युत्पत्ति। सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार करने कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। संत साहित्य पर डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने पीएचडी की थी, तो उन्होंने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ नियुक्त किया है निवृत्ति मार्ग या वैराग्य। सामान्य सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है वही संत है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासक ज्ञानाश्री शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। अब है संत काव्य का दार्शनिक आधार है वो क्या है। संत काव्य का दार्शनिक आधार है वो है शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम। उपनिषदों में निरूपित ब्रह्मा, जीव, जगत और माया के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया। संतों का जो साधना पक्ष और भक्ति भावना है वो शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। दोनों ही जीव को विशुद्ध ब्रह्मा मानते हैं। जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह माया के कारण है। आत्मा की सर्वरूपता सर्वशक्तिमता भी अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। नाथपंथियों से उन्होंने शून्यवाद, योग साधना, गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया। इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने अकेश्वरवाद ग्रहण किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद का भी विरोध किया। अब हैं प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं। जो हमारा प्रमुख संत कवि थे वो थे कबीर और उनकी रचनाएं थी बीजक, जिसका संकलन धर्मदास जी ने किया था। इसके तीन भाग हैं, साखी, शब्द और रमायणी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर जाति के जुलाहे थे और काशी में रहते थे और रामानंद उनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। उनकी कविताओं में उपदेशों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है तथा प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में है। कबीर निरक्षर थे। स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि मसी कागत छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर भगत और कवि बाद में थे, पहले थे वो एक समाज सुधारक। उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंड का उन्होंने खंडन किया है। मूर्ति पूजा, माला, छापा, तीर्थाटन, गंगा स्नान, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना, सादी सभी का खंडन किया है। मूर्ति पूजा पर उनका एक दोहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पीसी खाए संसार। वे शास्त्र पर नहीं आंखों देखी बातों पर यकीन करते थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्या उर्जाए रे। तो इस तरह से कबीर ने बहुत सारे दोहे, उल्टबासियां लिखी हैं। दूसरा हमारा जो संत है वो है रामानंद। रामानंद के जो शिष्य थे वो 12 शिष्य थे, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पिप्पा, कबीर, सैन, धरना, रैदा, सुरसुरी और पद्मावती। इसके 12 शिष्यों में से किसी का भी नाम पूछ लिया जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि रामानंद के कौन कौन से शिष्य थे। रामानंद के जो गुरु थे वो राघवानंद जी थे, जिन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है हमारे रैदास। ये जाति के चमार थे और काशी के निवासी थे। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवयित्री मीरा का गुरु मानते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है। इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो रविदास की बाणी शीर्षक में प्रकाशित हुआ है
और इनके लिखे 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि रैदास का के जो गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित हैं, तो 40 पद हैं। और रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में भी है। नेक्स्ट है गुरु नानक, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक। गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जप्पू जी, असा दीवार, रही रास, सोहिला इनकी रचनाओं के नाम। नेक्स्ट हैं दादू दयाल, हरिदास निरंजनी, मलुकदास। मलुकदास के जो भक्ति विवेक, ज्ञान बोध, रतन खान और सुख सागर हैं, ये इम्पोर्टेंट इनके ग्रंथ हैं। सुंदरदास, ये दादू दयाल के शिष्य थे और प्रतिभाशाली कवि थे। ये पढ़े लिखे थे, इनके बारे में ये एक बात प्रसिद्ध है कि ये सारे जो संत थे वो अनपढ़ थे, लेकिन सुंदरदास पढ़े लिखे थे। तो ये अब है संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति सहज सुंदर है। नंबर दो, कविता करना इनका लक्ष्य न था, कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। नंबर तीन, संत कवियों में प्रमुख कबीर भगत और कवि बाद में, समाज सुधारक पहले। भगत और कवि ये बाद में ही थे, पहले ये समाज सुधार की बातें ही करते थे। संत कवि निर्गुण उपासक थे, वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी मानते। कभी कभी वे इसके निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते, लेकिन इनका राम तुलसी का राम से अलग था। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद पुराणों या पुराणों से नहीं, कुरान से नहीं, अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ हो जाता है। संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है। नेक्स्ट है, संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक जो मान्यता है वो शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है, ये बात हमने पहले भी की थी। नेक्स्ट है, संत काव्य में रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है वो परिलक्षित होती नजर आती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के साथ माधुरी भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। दूसरी ओर कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान भी किया है। तो रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज, इन्हें कोई विश्वास नहीं था। इनमें हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मांता के लिए फटकारा। वे धर्म के सामान्य तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को भी शाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से इसका खंडन किया। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना। अधिकांश संत कवि सोम निमन वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत काव्य में अस्वाभाविक नहीं थी। संत काव्य में शास्त्र का विरोध करते हुए सहानुभूति पर बल दिया गया। उनकी उक्ति में खरापन और निर्भीकता है, जिसे जनता ने पसंद किया, उनके कथन अनुभूति प्रधान है। संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार और माया का प्रतिरूप मानते हैं। नारी निंदा करते हुए वे उसे विष की बेल तक कह देते। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथ पंथियों का प्रभाव है। संत काव्य की जो भाषा थी वो अपरिष्कृत है।
साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने काव्य में करते हैं। देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों और भाषाओं का मिश्रण दिखाई देता है। ब्रज अवधि खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के मिले जुले रूपों के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। अनगढ़ भाषा होने पर भी उनकी भाषा भाव संप्रेषण में पूर्ण सफल है। उसकी शक्ति एवं सामर्थ्य के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया है। संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। वस्तुतः वे पिंगल शास्त्र के कह खे गय से भी परिचित न थे, अतः काव्य में अलंकारों का समावेश कर सकने की शक्ति एवं सामर्थ्य उनमें थी ही नहीं। यह बात अलग है कि उनका काव्य अलंकार विहीन नहीं है, उसमें अनायास ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास का समावेश हो गया। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक भी उसमें हुआ है। कबीर की उल्टवासियों में अद्भुत रस भी है। ये थे हमारा निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत काव्य की प्रमुख विशेषता। धन्यवाद।